हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए सरलीकरण के टॉप 200 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले देख लेते हैं सरलीकरण का कुछ बेसिक। सरलीकरण का को अपन को हल करने के से पहले उसका एक नियम होता है। नियम देख लेते हैं। पहले होता है नियम, होता है वी बोर्ड मास, वी बी ओ डी एम ए एस। बी का मतलब होता है, बी का मतलब वेनाकुलम बार। वेनाकुलम बार ऐसे होती है जैसे ए माइनस बी के ऊपर बार। बी का मतलब होता है, बी का मतलब तो हो गया वेनाकुलम बार। बी का मतलब हो गया, बी का मतलब वेनाकुलम बार। बी का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट अपने मैथ में तीन प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट अपने मैथ में तीन प्रकार के होते हैं अपने मैथ में। देखिए, पहला ब्रैकेट होता है बड़ा ब्रैकेट। ये होता है बड़ा ब्रैकेट। फिर होता है मझला ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट है बड़ा, फिर होता है मझला, और फिर एक होता है छोटा ब्रैकेट। फिर होता है एक छोटा ब्रैकेट जो सब में कॉमन है। फिर होता है ओ का मतलब होता है ओप। ओप को अपन मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग। फिर एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुना। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब प्लस है। और एस का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन, मतलब घटाना। अब देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। 3 × 4 − 2 + 5 / 1। तो पहले होगा भाग, फिर होगा गुना, फिर होगा जोड़, फिर होगा माइनस। तो पहले भाग देते हैं, 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 का 5, 3 × 4 − 2 + 5। अब फिर मल्टीप्लाई होगा, 4 × 3 = 12 − 2 + 5। 12 और 5 = 17 − 2। इसका आंसर आ जाएगा 15। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 × 2 − 12 / 3 × 4। तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 8 − 12 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 × 4। तो ये हो जाएगा 3 × में रहेगा इधर 4 × 4 = 16 = 48। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखिए। यदि 19 × 19 = 361 है, 19 को 19 से मल्टीप्लाई, मतलब 19 का स्क्वायर कितना है? 361। तो 190 × 0.0019, तो हो जाएगा नीचे 4 जीरो, 1 जीरो से 0 चला जाएगा। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 361/1000। ये हो जाएगा 0.361। आगे देखे स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन। 0.5 / 0.71, तो 0.5 / 0.71, 0.5 × 0.71, तो ये ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 10। से 0 से 0, 0 से 0, ये हो जाएगा 50/71। 50/71, 7 × 7 = 49, ये जाएगा 0.7। आगे देखें स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित को हल कीजिए। 0.5 5 इंटू
ये हो जाएगा 5/10 इंटू 5/100 इंटू 5/1000 इंटू 500। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 5 × 5 25, 25 को 25 को 5 से 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3125, 3125 बटा 10 की घात कितनी, 4, 10 की घात 4, तो ये हो जाएगा 0.3125। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए, 176 प्लस 17.6, तो 176 17.6, 1.76, 0.176, 0.0176, ये हो जाएगा 6 × 6 = 12, 13 का 3, हासिल की 1, 7 × 14 15 का 5, हासिल की 1, 7 × 14 15 का 5, हासिल की 1, 7 × 14 15 का 5, हासिल की 1, 7 × 1 = 8, 1 = 9, 195.5536। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, 9 × 0.9, तो ये हो जाएगा 9 × 9/10 इंटू 9/100 इंटू 9/1000 इंटू 10/3 इंटू 100/3 इंटू 1000/3, 1000 से 1000 चला जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, 3 × 3 = 9 से 1 = 9 चला जाएगा, 3 से ये 3 चला जाएगा, 9 × 81 इंटू 3, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243। आगे देखिए स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए, 0.03, ये हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा 3 3.03, 31.003, 13.33, 3.331, तो हो जाएगा 3 × 4, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 10 का 0, हासिल की 1, 3 × 1 = 4, 1 = 5, 50.694। आगे देखें स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए, 6202.5, तो ये जाएगा 6202.5, 620.25, 62.025, 6.2025, 0.62025, तो 5 × 5 = 7, 5 × 2 = 7, 5 × 2 = 7 = 9, 6 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, 10 × 5 = 15 का 5, हासिल की 1, 6 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, 10 × 1 = 11 का 1, हासिल की 1, 6 × 2 = 8, 1 = 9, 6 × 2 = 8 और 6 × 6 = 68, 91.59775। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, 243 / 3 / 3 / 3 / 3 का मान किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 243 / 3 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 243/81, ये हो जाएगा 3 से। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए, 17.6, तो 17.6, 1.76, 0.176,
0.017 0.0017 ये हो जाएगा छह, छह से 12 13 का 3 हासिल की 1, 7 दुनी 14 और 1 15 का 5 हासिल की 1, 7 दुनी 14 और 15 का 5 हासिल की 1, 7 दुनी 14 15 का 5 हासिल की 1, 7 8 9 19.5553 है। आगे देख के स्टूडेंट्स दसवां क्वेश्चन, 0.7 × 10 7 × 7 = 10 × 7/100 × 7/1000 × 70 तो 0 से 0 चला जाएगा, 7 × 7 7 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 × 7 = 49 को 7 से 256 256 को 49 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 16807 16807 बटा 00000 ये हो जाएगा 0.16807। आगे देखिए स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, 20³ 20³ 3 -20³ -20³ 3 तो हो जाएगी 20 माइनस का इंटू माइनस का 20 इंटू माइनस का 20 प्लस 13³ 3 13³ 3 प्लस 7³ 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 8000 प्लस 13³ 3 हो जाएगी 2197 प्लस 7³ 3 हो जाएगी 343 तो ये हो जाएगा माइनस का 8000 प्लस 2540 तो ये हो जाएगा माइनस का 5460। आगे देखे स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, सरलीकरण कीजिए 0.8 तो 0.8 8.8 0.08 8.88 और 0.808 हो जाएगा 8 8 दुनी 16 का 6 हासिल की 1 8 दिया 24 25 का 5 हासिल की 2 8 दुनी 16 और 16 और 2 18.568। आगे देखें स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए, 1 + 1 1 + 2 + 3 + 4 तो ये हो जाएगा 31 ये हो जाएगा 30 30 का तो 1 + 2 + 3 + 4 तो इसका मान होता है n का स्क्वायर, तो पहले 30 का स्क्वायर कर लेते हैं, 30 का स्क्वायर इंटू डबल प्लस उसके अंदर अपन 31 ऐड कर देंगे, 30 का स्क्वायर प्लस इंटू इसके अंदर अपन 31 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 30 का स्क्वायर, फिर अपन को डबल नहीं करना है, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 31 क्योंकि ये प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 का रहता है, तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 31 इसका माना जाएगा 931। आगे देखिए स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, 97 × 97 तो 97 का हो गया स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला होता है 7 का हो जाएगा 49, एक लाइन खींच लेंगे 9 का हो जाएगा 81, 9 × 7 × 2 9 × 7 = 63 × 2 126 126 हो जाएगा 6 2 1 ये हो जाएगा 9 6 और 4 10 का 0 हासिल की 1 2 3 4 94.09।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, 2.09, 2.09 बटा 0.00209, तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 बटा नीचे हो जाएगा 2, तो 20 से 20 चला गया, 209 से 209 चला गया, इसका मान आएगा 10,000। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 16वां क्वेश्चन, 1.08, तो 1.08 बटा 0.000 108, तो ये ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा 10^6 बटा नीचे हो जाएगा 10^2, तो ये इससे चला जाएगा, इससे चला जाएगा 10^4 बराबर 10,000। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 0.00025 0.0025 भाग करना है 12.5 12.5, तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 10^5 ये हो जाएगा माइनस में, ये तो ये हो जाएगा 10^5, तो 5 ये चला जाएगा इससे 5 बार, 5 से 2 बार, 2/10^5, 2/10^5 ये हो जाएगा 0.00002 इसका मान। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 18वां क्वेश्चन, 33.33, तो पहले अपन इसको प्लस वाले को, 33.33 प्लस वाला हो गया, फिर ये प्लस वाला है 333.333, ये तो हो गया प्लस वाला, माइनस का है 0.03333, ये हो गया माइनस वाला, ये हो जाएगा 6, 3.36, ये हो जाएगा 3, 6, 6, 6, 6, 3, तो इसमें से 3, 6, 6.663 में से 3.36 ये हो जाएगा 3, 0, 3, 3, 6, 3, 363.303 363.303। आगे देखे स्टूडेंट्स, 19वां क्वेश्चन, 6 kg 5 ग्राम को लिखे, तो 6 kg का हो जाएगा, 6 kg को लिखते हैं अपन 6 प्लस, 5 ग्राम को लिखते हैं 5/1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 6.005 ग्राम केजी, 6.05 केजी। आगे देखें स्टूडेंट्स, 5.52 माइनस 2.3 का स्क्वायर, 2.3 का स्क्वायर होता है 529, 5.29 प्लस 0.8^3, तो ये हो जाएगा 0.512 इंटू 0.12 भाग 0.04^4, तो ये हो जाएगा 0.0256 माइनस 3.14, तो ये हो जाएगा, इससे ये माइनस जाएगा तो हो जाएगा 0.23 इसका मान, इस अब इसका मान होगा 2.4 प्लस 2.4 माइनस 3.14 माइनस 3.14, अब इन सबको हल करने पर
ये हो जाएगा 0.51। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 21वां क्वेश्चन, 0.098, तो 0.098, 0.98, 9.8 और 98, तो हो जाएगा 8, 9 और 8, 8 दुनी 16, 17 का 7, हासिल की 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18 का 8, हासिल की 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 1 9 और 1 10, 110, 108.878। आगे देखिए स्टूडेंट्स, रिक्त स्थान को भरने में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा रहेगा? तो पहले अपन माइनस वाले का को जोड़ लेते हैं, माइनस वाला है 39.5, 3.95, 0.395, तो 5, 9 और 5 14 का 4, हासिल की 1, 9 और 1 10, 5 15, 15 और 8 18 का 8, हासिल की 1, 9 और 1 10 और 3 13 का 3, 1 3 और 1 4, 43 पॉइंट, तो ये 395 माइनस 43.845, तो इसमें से माइनस करेंगे 395 में से 43.845, तो ये हो जाएगा 5511 और 53, 351.155। आगे देखें स्टूडेंट्स, 23वां क्वेश्चन, 0.255, तो 0.255, 2.95, 29.5 और 295, 5, 9 और 5 14 का 4, हासिल की 1, 9 और 1 10 और 5 15, 15 और 2 17 का 7, हासिल की 1, 9 और 1 10 और 5 15, 17 का 7, हासिल की 1, 9 और 1 10 और 2 12 का 2, हासिल की 1, 9 और 1 2 और 1 3, 327.445। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 24वां क्वेश्चन, 9 बटा 13 भाग 18 बटा 26 भाग 90 बटा 52, तो 9 बटा 13 मल्टीप्लाई में होके उल्टा हो जाएगा 26 बटा 18 इंटू 52 बटा 90, तो ये चला जाएगा इससे दो बार, 13 दूना 26 से चला जाएगा 52 बटा 90, 52 बटा 90 के अंदर दो का भाग देंगे आ जाएगा 26 बटा 45। आगे देखें स्टूडेंट्स, 25वां क्वेश्चन, 19170 भाग 54 भाग 5, तो 19170 में 54 का भाग देंगे, 19170 भाग 54 इंटू इंटू 1/5 में कर लेंगे, तो ये चला जाएगा इससे 5 से 5 की 15 4, 5 अंटे 40, 5 की 15, 5 चौका 20, 38 54 बटा 54, 38 54 बटा 54, ये चला जाएगा 9 से 9 6 54, 9 चौका 36 2, तो 9 दुनी 18, 9 चौका 36 2, 9 दुनी 18, 9 दुनी 18, 9 दुनी 18, 9 चौका 36 2, 9 दुनी 18 7, 9 6 54, 9 से नहीं जा रहा है 54, ये 5 से 5 की 15 4, 5 अंटे 40, 1 5 की 15, 5 चौका 20, 38 54
भाग चौवन, 38 चौवन भाग चौवन ये चला जाएगा, 6 से 6 से 9 बार, 6 36 2, 6 चौका ये इससे नहीं कटेगा, ये 54 से कटेगा 71 बार। आगे देखें स्टूडेंट 26वां क्वेश्चन, गणना करें, 6 × 6 × 6 × 6 × 9999, 9999 तो ये हो जाएगा 6 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
एक, 10,000 माइनस एक, छः 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 छः, जीरो 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 माइनस छः 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 छः, तो 10 में से छः गया 4, 9 में से छः गया 3, फिर 9 में से छः गया 3, फिर 9 में से छः गया 3, फिर 10, 9, 9 और फिर 5, अच्छा फिर 6, 6, 6। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 27वां क्वेश्चन, 9876 प्लस 34,567, तो 9876, 9876 34,576, ये 6, 7, 5, 6, 4, 10 का जीरो, हासिल की एक, 7, 3, 10, 11 का एक, हासिल की एक, 8, 1, 9, 9, ये हो जाएगा 9,910.576, 9,910.576 माइनस अक्ष बराबर 9,908.221, 9,908.221, ये इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 2.2.346। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 1,093 इंटू 1,093, 1,093 इंटू 1,093, 1,093 तो ये हो जाएगा 1,093 कोष्टक 1,000 कोष्टक 1,000 प्लस 93, तो 1,093 फिर 3 जीरो प्लस 1,093 को 93 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 3 9, 29 27, फिर 29 27 का 7, 9 9 81, 81 और 2 83 का 83 और 9 का 9, 9 7 14 का 4, हासिल की 1, 3 2 6, 8 3 11 का 1, 9 1 10, 10 16 49, 10 16 49 ये हो जाएगा 649, 649, 3 1 4, 9 और 1 1, 11 94, 600, 11 94, 649। देखे स्टूडेंट्स 29वां क्वेश्चन, 64 इंटू 5 की घात 4 माइनस 5 की घात 4 इंटू 16, तो 64 इंटू 5 की घात 4, 5 की घात 4 होती है 625, 625 माइनस 5 की घात 4, 5 की घात 4 हो जाएगी 625, 625 इंटू 16, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 625 इंटू 64 माइनस 625 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 625, 625 इंटू 48, तो 625 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30,000, 625 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30,000। आगे देखें स्टूडेंट्स 30वां क्वेश्चन, माइनस 261 प्लस माइनस
380 माइनस माइनस 521 प्लस 821 माइनस माइनस 121 तो हो जाएगा 261 माइनस का माइनस 380 माइनस 380 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 521 माइनस माइनस प्लस 521 प्लस 821 माइनस माइनस प्लस 121 तो ये हो जाएगा माइनस को माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे माइनस का हो जाएगा 641 माइनस 1 2 3 तीन दो दो चार दो तिया छः आठ और आठ एक नौ नौ और पांच 14 1463 ये हो जाएगा प्लस का 1463 में 641 ये जाएगा तो 822। आगे देखें स्टूडेंट्स 31वां क्वेश्चन बोर्ड मास के नियम का उपयोग करके दिए गए व्यंजकों को सरल कीजिए। 4/11 4/11 इंटू 121 बटा 16 इंटू 121 बटा 16 इंटू इंटू में हो जाएगा 24 24 फिर हो जाएगा 75 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर तो हो जाएगा 75 और 55 130 और 75 माइनस 55 हो जाएगा 20 इंटू 1/100 तो हो जाएगा 4 से 4 बार 11 से 121 11 बार 4 से 6 बार 11 छिगानी 66 इंटू 0 से 0 0 से 0 13 दूना 66 इंटू 26 हो जाएगा 1716। आगे देखें स्टूडेंट्स 32वां क्वेश्चन 3 + 3 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 3 भाग 6 तो ये हो जाएगा 3 + 3 इंटू 3 × 6 6 में 6 का भाग देंगे 1 तो ये हो जाएगा इंटू 3 माइनस 1 बंद और बड़ा कोष्टक ये हो जाएगा 3 + 3 इंटू 2 और बड़ा कोष्टक बंद 3 + 6 = 9। आगे देखें स्टूडेंट्स 33वां क्वेश्चन बोर्ड मास का नियम का उपयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो 7/6 इंटू 21/5 इंटू 25 तो ये होता है a माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी तो ये हो जाएगा 65 + 55 65 और 55 को जोड़ने पर आ जाएगा 120 और 65 - 55 10 से तो ये 10 ये 5 से चला जाएगा 5 बार 5 से 5 बार ये 6 से 6 × 12 20 20 × 5 = 100 इंटू 10 21 इंटू 35 21 × 5 21 × 7 1000 तो 21 × 7 147 21 × 7 इक्कीस इक्कीस 7/6 हो जाएगा 21 × 7 147 इंटू 5 एक हो जाएगा 1000 तो ये हो जाएगा 1470 147000। आगे देखिए स्टूडेंट्स 34वां क्वेश्चन 2/7 इंटू 2/7 इंटू बड़ा कोष्टक 2 + मझला कोष्टक 2
हो जाएगा छोटा क्वेश्चन, 11 + 4 - 2, 11 और 4 तो ये हो जाएगा 13। छोटा क्वेश्चन बंद और मतलब कोष्टक बड़ा कोष्टक -2, ये हो जाएगा 2/7 × 11 और 11, ये हो जाएगा 13 × 26 + 2 = 28, 28 - 2, 28 - 2 7 से चला जाएगा 4 बार, 4 × 8 -2 = 6। आगे देखें स्टूडेंट्स 35वां क्वेश्चन, 15 × 14 को 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 -30 प्लस 3 * 9 = 9 और 17 × 9 = 17 = 26, तो 210 के अंदर माइनस करना है अपन को 4, तो ये हो जाएगा 206 इसका आंसर। आगे देखें स्टूडेंट्स 36वां क्वेश्चन 79 प्लस बड़ा कोष्टक 37 माइनस मझला कोष्टक 45 माइनस छोटा कोष्टक 36 में 6 का भाग देंगे 6 × 8 = 48, 1 - 48 छोटा मझला और बड़ा, तो 79 प्लस बड़ा कोष्टक 37 माइनस मझला कोष्टक 45 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 48 में चला जाएगा 47, तो इसमें 47 अपन 45 प्लस 47 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक 79 + 37 -92 हो जाएगा 79 के अंदर 79 प्लस 37 हो जाएगा 79 प्लस 37 हो जाएगा 116 -92 बराबर हो जाएगा 24। आगे देखें स्टूडेंट 37वां क्वेश्चन, 2 + 2 - 16/4, तो हो जाएगा 2 + 2 जाएगा 2 + 4 + 2 6 माइनस 16 में 4 का भाग देंगे 4 + 3 फिर प्लस 8 × 7 56 57 में 19 का भाग देंगे 3 57 में 19 का भाग देंगे तो 3 × कोष्टक, ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 में से 4 चला गया तो 4 + 4 + 9 = 36, 36 में से 17 चला गया तो माइनस का 19 तो हो जाएगा माइनस का 15, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 में से 6 चला गया तो नहीं 6 और 3 9 9 9 में से 4 चला गया तो ये हो जाएगा 5 + 5 + ये हो जाएगा 45, 5 + 45 तो हो जाएगा 5 - 45 = -40। आगे देखें स्टूडेंट्स 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, 2 + 2 - 2 - 2 - मझला कोष्टक 2 - 2 × 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक 2 - 4 में से 2 चला गया तो 6, तो 2 + 6 = 8, 2 - 8 = -6। आगे देखें स्टूडेंट्स 39वां क्वेश्चन, 3/5 × बड़ा कोष्टक 3
मजला कोष्टक 3 + 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 11 22, ये हो जाएगा 22 मजला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। 3/5 × 22 और 3 25, 25 और 3 28, तो ये हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 28 × ये हो जाएगा 28 × 5, 28 × 5, 28 × 5 140, और 140 और 3 143/5, तो ये हो जाएगा 5 103/5, तो 28 × 5 140, 140 + 28 × 5 नहीं होगा, ये हो जाएगा 28 × 3, 28 × 3 8 या 24 का 4 आंसर की 2, 3 × 6 = 2, 8 84/5, तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 16 = 4/5। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 40वां क्वेश्चन सरलीकरण, 24 × 3, तो 24 × 3 74 − 5 × 1/3, मजला कोष्टक बड़ा कोष्टक, ये हो जाएगा 5 − 5 − 5 × 3 − 5 × 3 कोष्टक बड़ा कोष्टक और भाग 10, ये हो जाएगा 72 24 × 3 माइनस हो जाएगा प्लस, इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5/2, 5/2, 5/2, ये हो जाएगा इधर 144, 144 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 149/2, ये हो जाएगा 77.5। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 41वां क्वेश्चन, 7 + 5 − 2 ×, तो 7, तो 7 में अपन 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12, 12 − 2 × 89 और 7 = 96, माइनस 94 में 2 का भाग देंगे तो 94 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 47 प्लस कोष्टक, 33 में 3 का भाग देंगे तो 11, 11 प्लस 9 × 2 = 18 माइनस 7/11, तो ये हो जाएगा 12 − 192, 12 − 192 माइनस 47 प्लस 47 प्लस 11 और 18 29 में 7 चला जाएगा 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो 22 में 11 का भाग देंगे तो 2, ये हो जाएगा 12 और 2 = 14 माइनस 239, 239 में से 14 चला जाएगा तो 225 माइनस का। आगे देखें स्टूडेंट्स, 42वां क्वेश्चन, सरल कीजिए 1800/10, 1800/10, 1800 में 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 180, 180 × 180 × 17 − 2, 17 × 2 = 15, 17 − 2 = 15, और 17 − 2 = 15, 15 = 45, 3 × 6 =
प्लस तीन दुनी छ प्लस इधर हो जाएगा, तीन दुनी छ प्लस ये हो जाएगा दो एक तीन, दो एक तीन तो ये हो जाएगा माइनस, दो एक तीन ये हो जाएगा माइनस का छ, तो 180 इंटू छ, 180 इंटू छ हो जाएगा 1080 माइनस छ, तो एक हो जाएगा 1074। आगे देखे स्टूडेंट्स 43वां क्वेश्चन, 10 की घात 9 भाग 10 की घात 9 इंटू 10 की घात 2, 10 की घात 9 इंटू 10 की घात 2 बटा 10 की घात 3, तो ये हो जाएगी 10 की घात, 10 की घात हो जाएगी 8, 10 की घात 8। आगे देखिए स्टूडेंट्स 44वां क्वेश्चन, 20 माइनस 25 माइनस 33, 20 माइनस 25 माइनस 33 तो 20 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8, माइनस माइनस प्लस 8 भाग माइनस का 5 इंटू 4 5 चौका 20, 5 चौका 20 माइनस, 20 माइनस माइनस प्लस 6 ये हो जाएगा माइनस माइनस 6, 6 बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक भाग 56 भाग भाग 56 प्लस 27 माइनस 27 प्लस 13, 27 प्लस 13 14, 27 प्लस 13 14 ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 8, 20 प्लस 8 28, 28 भाग माइनस का 14, माइनस का 14 भाग 4 ये हो जाएगा, इसमें 14 का भाग देंगे तो माइनस का 2 माइनस का 4 बराबर माइनस का 6। आगे देखिए स्टूडेंट्स 45वां क्वेश्चन, 40 माइनस कोष्टक 50 भाग 5 इंटू 16 माइनस 8 भाग 2 भाग 3। देखिए 40 माइनस, 40 माइनस कोष्टक 90 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 90 के अंदर अपन 5 का भाग देंगे तो 18, 18 90 के अंदर अपन 5 का भाग देंगे 18, 16 और 8 के ऊपर 12 है तो 16 में से 8 चला जाएगा, 16 में से 8 चला जाएगा तो इंटू 8 भाग, 8 भाग 2 भाग 3, 8 भाग 2 भाग 3 छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक इसके भी बाहर लगा है। 40 माइनस, 40 माइनस 18 इंटू 8 भाग 2 इंटू 3, भाग 2 इंटू 3 तो 3 दुनी 6, 6 से चला जाएगा 3 बार, 8 दिया 24, 40 माइनस 24 बराबर 16 इसका सही आंसर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए, 2550 माइनस, 2550 माइनस तो हो जाएगा 2550 माइनस बड़ा कोष्टक 510 माइनस मझला कोष्टक 270, मझला कोष्टक 270 माइनस 90 और 70, 90 और 70 160, 160 में से 80 चला जाएगा तो माइनस 80 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, 2550 माइनस बड़ा कोष्टक 510, 510 माइनस 190, 270 में से 270 में से 80 चला जाएगा तो 190 कोष्टक बंद, 2550 माइनस, 2550 माइनस 320 तो ये हो जाएगा 0, 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 3, 5 में से 3 गया तो 2, 2230। आगे देखिए स्टूडेंट्स 47वां क्वेश्चन, 23 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस मझला कोष्टक 23 माइनस 23 माइनस प्लस 23
तो इसका मान हो जाएगा 23 माइनस 23 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस मझला कोष्टक 23 माइनस 23 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस वाल प्लस वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 23, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का 23। ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, तो हो जाएगा 23 माइनस 23 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस, ये प्लस वाले से माइनस, प्लस वाले से माइनस, 23 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 23 बराबर 0। आगे देखिए 48वां क्वेश्चन, 56 भाग 1/3, 56 भाग 1/3, 56 भाग 1/3, यह है मझला कोष्टक। मझला कोष्टक 15 प्लस 12, 15 प्लस 12, तो 15 प्लस 12 हो जाएगा 15 और प्लस 12 हो जाएगा 27 माइनस 27 माइनस 9 और 6 15, 15 और 7 15 9 और 6, तो 5 और 7 के ऊपर 12 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, तो 9 और 7 9 और 9 और 6 9 और 6 15 15 में से 9 और 6 15 15, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 9 और 6 15 माइनस 12, तो 15 माइनस 12, तो हो जाएगा 15 में से 12 चला जाएगा, तो 3 27 माइनस 3, मझला कोष्टक 56 भाग 1/3 इंटू 56 भाग 1/3 इंटू 24, तो ये चला जाएगा इससे 8 बार, ये 12 जाएगा तो 56 भाग 8 7। आगे देखिए स्टूडेंट्स 49वां क्वेश्चन, बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 का 3 दूनी 6 1 7/3 माइनस 7/3 माइनस 5 माइनस 1 मझल एक छोटा कोष्टक, और ये है इसके सामने मझला और एक बड़ा, तो ये हो जाएगा मझला कोष्टक प्लस 2 2 6 1 7/2 7/2, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, ये हो जाएगा 7/3 माइनस 4 प्लस 7/2, ये 7/2, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 6, लघुत्तम आ जाएगा इसका 6, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 14 माइनस 6 चौका 24, 14 माइनस 24 प्लस 7 21, 14 माइनस 24 प्लस 21, तो हो जाएगा 21 और 14 21 और 14 35, 35 माइनस 6, ये हो जाएगा 35 35 माइनस 24 बराबर हो जाएगा 11/6। आगे देखिए स्टूडेंट्स 50वां क्वेश्चन, 63 माइनस कोष्टक माइनस 3 कोष्टक माइनस 2 माइनस 8 माइनस 4 भाग 3 ओ 5 प्लस कोष्टक माइनस 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 63, 63 माइनस 63 माइनस माइनस का 3, 63 माइनस माइनस का 3, ये 8 और 2 10 10 4 14, तो हो जाएगा माइनस का 14 भाग 3 इंटू भाग 3 माइनस का हो जाएगा 2 5 और 2 7 5 और 2 7, ये हो जाएगा 63 माइनस 63 माइनस 14 42 14 42।
42 भाग सातिया 21, भाग सातिया 21 ये हो जाएगा 63 माइनस 2, 63 माइनस 2 बराबर 61। आगे देखे स्टूडेंट्स 51वां क्वेश्चन, 75 भाग बड़ा कोष्टक 27 माइनस मझला कोष्टक 35 माइनस छोटा कोष्टक 42 माइनस 45 भाग 9 इंटू 2, तो हो जाएगा 72 भाग बड़ा कोष्टक 27 माइनस मझला कोष्टक 35 माइनस 35 माइनस 45 में भाग देंगे 9 का 5 का, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 42 में से 10 चला गया, 42 में से 10 चला गया 35 माइनस 32 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, तो 72 भाग बड़ा कोष्टक 27 माइनस 27 माइनस 35 में से 32 चला गया तो 3, 27 माइनस 3 ये 72 भाग 72 भाग 24 आ जाएगा 3 इसका आंसर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 52वां क्वेश्चन, यदि t बराबर कोष्टक 93 प्लस 15, कोष्टक 93 प्लस 15 93 और 15 हो जाएगा 108 भाग 3 चौक 12 माइनस 24 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 8 बार, 8 माइनस 9 बार, ये हो जाएगा 9 बार माइनस 9 माइनस 24 प्लस 8, तो 9 और 8 हो जाएगा 17 माइनस 24 बराबर माइनस का 7, तो t बराबर माइनस का 7। आगे देखे स्टूडेंट्स 53वां क्वेश्चन, 75 भाग 75 भाग बड़ा कोष्टक 35 माइनस मझला कोष्टक 63 माइनस 54 में 9 का भाग देंगे 6, 6 को 36 से मल्टीप्लाई, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 79 में से 36 चला जाएगा, 79 में से 36 चला जाएगा तो 43 मझला और बड़ा, 75 भाग 35 माइनस 63 में से 43 चला जाएगा तो 20 कोष्टक बंद, 75 भाग 15 ये चला जाएगा इससे 5 बार। आगे देखे स्टूडेंट्स 54वां क्वेश्चन, 144 भाग बड़ा कोष्टक 40, 144 भाग बड़ा कोष्टक 40 माइनस मझला कोष्टक 33 माइनस 33 माइनस 112 में 7 का भाग देंगे तो 25 माइनस 112 में 7 एकम 7, 7 छिगु 42 इंटू 4 छोटा कोष्टक मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक तो हो जाएगा छोटा मझला और बड़ा, तो इस 7 चौक 28 है, तो 28 100 यह है इसके ऊपर बार, तो ये हो जाएगा 112 के अंदर अगर अपन 7 का भाग, 112 के अंदर 28 का भाग देंगे तो याद आएगा 4 बार ये मझल, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा मझला और बड़ा, 144 भाग 144 भाग बड़ा कोष्टक 40 माइनस 40 माइनस मझला कोष्टक 37 माइनस 37 माइनस 21 और मझला और बड़ा, 144 भाग 144 भाग 40 में से 16 चला गया, 40 में से 16 चला गया तो 24, 144 में 24 का भाग देंगे तो 6 बार। आगे देखे स्टूडेंट्स 55वां क्वेश्चन, जी बराबर 96 भाग 12, 96 भाग 12 तो 96 में 12 का भाग देंगे 8 प्लस 14 इंटू 12 और 8 20, 14 इंटू 12 और 8 20 भाग 2, 8 प्लस 14 इंटू 10, 14 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 140 और 100
48 जी बराबर, तो जी का एक चौथाई, तो जी बराबर 148 का एक चौथाई, तो 4 3 12, 4 7 28, 37। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 56वां क्वेश्चन, 18 भाग 1/8, तो ये हो जाएगा 18 भाग 1/8, 18 भाग 1/8, 11 प्लस 16, तो 11 प्लस 16 माइनस ये हो जाएगा 6 और 8 के ऊपर है 12, 6 और 8 के ऊपर 12 है, तो ये हो जाएगा 10 और 7 17 माइनस 10 और 7 17 माइनस, तो 17 माइनस 14, 17 में से 14 चला जाएगा तो 3, 17 में से 14 चला जाएगा तो 3, 18 भाग 1/8, 11 और 16, 11 और 16 27, 27 में से 3 चला गया इंटू 24, तो ये चला जाएगा इससे 3 बार, 18 भाग 3 बराबर 6। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 57वां क्वेश्चन, 74 भाग 85 भाग, 74 माइनस 75 भाग, मझला कोष्टक 49 माइनस छोटा कोष्टक 41, छोटा कोष्टक 41 माइनस 3 की घात 5, 243, 3 की घात 5 माइनस 243 भाग 27, छोटा मझला और बड़ा, ये हो जाएगा 74 माइनस बड़ा कोष्टक 85 भाग, 85 भाग मझला कोष्टक 49 माइनस, मझला कोष्टक 49 माइनस ये हो जाएगा 32, 49 माइनस 32 ये हो जाएगा मझला कोष्टक, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, 74 माइनस बड़ा कोष्टक, 74 माइनस बड़ा कोष्टक 85 भाग 17, ये हो जाएगा 74 माइनस 5 बराबर 69। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 58वां क्वेश्चन, सरलीकरण, 25 प्लस 15 ये हो जाएगा 25 प्लस 15 माइनस 51 प्लस कोष्टक 4 × 15 × 17/20 प्लस 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 5 15 5 4 20, 4 से 4 चला गया, तो ये हो जाएगा 25 और 15 40 माइनस 51 प्लस 4, तो 51 से 51 चला जाएगा, 40 और 4 44। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 59वां क्वेश्चन, निम्न को का मान ज्ञात कीजिए, 10 प्लस 10 प्लस मझला कोष्टक 26, 10 प्लस मझला कोष्टक 26 माइनस 15 × 20 माइनस 5 भाग 2 × 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस मझला कोष्टक 26 माइनस 15 × 20 माइनस 5 × 1/2 × 7 में से 5 चला गया, तो कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा, ये ऊपर 12 है तो ये 7 में से 5 चला गया तो 2, 2 से 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस मझला कोष्टक 26 माइनस 15 × 26 माइनस 15 ×
20 माइनस 15 इंटू 15 तो 10 से प्लस से 26 माइनस 225, 225 तो हो जाएगा 26 और 10 36 माइनस 225 बराबर हो जाएगा माइनस का 189। आगे देखिए स्टूडेंट 60वां क्वेश्चन, तार प्लस 1/6, तार प्लस 1/6 तो ये हो जाएगा तार प्लस 1/6 इंटू बड़ा कोष्टक इंटू बड़ा कोष्टक माइनस का 12 इंटू 8 माइनस का 12 माइनस का 12 इंटू 12 इंटू 24 13 और 3 16, 12 माइनस इसमें से 24 माइनस 16 तो ये हो जाएगा 8, मजला कोष्टक बंद भाग 20 में से 20 में से 4 चला जाएगा तो 16, ये बड़ा कोष्टक बंद। तार प्लस 1/6, तार प्लस 1/6 इंटू माइनस का 6 माइनस का 6 ये हो जाएगा माइनस का 6 से माइनस का एक बार, तो 4 माइनस 1 बराबर इसका आंसर 3। 61वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस मझला कोष्टक 80 भाग 4 माइनस छोटा कोष्टक 8 माइनस 12 भाग 3 छोटा कोष्टक बंद प्लस 4 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बराबर, तो इसका मान ज्ञात करना है अपन को, तो हो जाएगा 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38, 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस मझला कोष्टक 80 के अंदर अपन 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस ये हो जाएगा छोटा कोष्टक 12, 12 में अपन 4 का भाग देंगे तो 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 प्लस 4 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस 20 माइनस ये हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा माइनस माइनस का 8 प्लस का 4 और प्लस का 4 तो ये हो जाएगा इस साइड आने पर, इस साइड आने पर ये हो जाएगा 45, ये भाग में है इधर तो ये भाग में नहीं होगा तो भी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस 38 माइनस दुगनी 4 ये से चला जाएगा 38 माइनस 20 ये हो जाएगा 45 माइनस 38 में से 20 चला गया 18 18 तो ये हो जाएगा 45 में से 18 चला गया तो 45 में से 18 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 27 45 में से 18 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 27। आगे देखिए स्टूडेंट्स 62वां क्वेश्चन, 4 प्लस 1/6 तो 4 प्लस 1/6 4 प्लस 1/6 बड़ा कोष्टक बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक छोटा बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक छोटा कोष्टक ये हो जाएगा माइनस का 10 इंटू माइनस का 10 13 माइनस 3 13 प्लस 13 और 3 16 माइनस का 16 25 माइनस 16 तो ये हो जाएगा 9 भाग 9 भाग कोष्टक माइनस का 5 बड़ा कोष्टक तार प्लस 1/6 तार प्लस 1/6 ये हो जाएगा 10 इंटू 9 माइनस का 90 इंटू माइनस का 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 18 ये माइनस क्या क्या ये हो जाएगा प्लस का 18 90 माइनस तो ये 90 में से माइनस
पांच का भाग देंगे तो हो जाएगा प्लस का 18, 18 में 6 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3। 4 प्लस 3 बराबर 7। आगे देखिए स्टूडेंट्स 63वां क्वेश्चन, माइनस का 8 बड़ा कोष्टक 36, बड़ा कोष्ट माइनस का 8 बड़ा कोष्टक 36 भाग मझला कोष्टक 7 माइनस माइनस 2 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक भाग माइनस का 4 मझला कोष्टक 19 माइनस 19 माइनस माइनस का 3 इंटू माइनस का 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8 ये कोष्टक, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक 36 भाग, ये हो जाएगा 9, 36 भाग 9 बड़ा कोष्टक बंद भाग माइनस का 4 और ये हो जाएगा मझला कोष्टक 19 माइनस 15, 19 माइनस 15 ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8, माइनस का 8 और 4 भाग भाग माइनस का 16, 19 में से 15 चला गया तो 4, 4 को 16 तो हो जाएगा 32, 8 चौक 32 माइनस का 32 माइनस का 16 माइनस से माइनस चला गया, 32 में 16 का भाग देंगे तो 2। आगे देखिए स्टूडेंट्स 64वां क्वेश्चन, 45 माइनस 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस मझला कोष्टक 60 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20 माइनस 9 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 3, 9 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 3, 6 में से 3 चला गया 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। ये मझला कोष्टक ये बड़ा कोष्टक 45 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस 38 माइनस 19 बड़ा कोष्टक बंद 45 माइनस 19 बराबर 26। आगे देखिए स्टूडेंट्स निम्न हल करें, 38 माइनस 38 माइनस 60 में 5 का भाग देंगे तो 60 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12, 60 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 16 और 8 के ऊपर 12 है तो 16 में से 8 चला जाएगा 8, 12 इंटू ये हो जाएगा 16 में से 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 8 में 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 भाग 3, 4 भाग 3 तो ये हो जाएगा तो 38 माइनस तो इसमें 3 तो ये हो जाएगा 4, 38 माइनस 16, 38 में से 16 चला जाएगा तो 22। आगे देखिए 66वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 3 का मान तो ये हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी तो इसका मान हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 3 बराबर माइनस का 1। आगे देखें स्टूडेंट 67वां क्वेश्चन, 469 प्लस 144 का स्क्वायर माइनस 469 माइनस 144 का स्क्वायर बटा 2 कोष्टक 469 इंटू 144 तो ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बटा 2 ए बी 2 ए बी तो ये होता है, इसका ऊपर वाले का हो जाएगा
फोर ए बी बटा टू ए बी, तो इसका मान हो जाएगा 2। इसका मान 2। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 68वां क्वेश्चन, 82 + 28 का स्क्वायर, 82 + 28 का स्क्वायर माइनस 82 - 28 का स्क्वायर बटा 82 × 28, तो ऊपर वाला हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बटा ए बी। ऊपर वाले का हो जाएगा फोर ए बी, ऊपर वाले का हो जाएगा फोर ए बी बटा नीचे वाले का हो जाएगा ए बी, इससे चला जाएगा 4 बार, तो इसका मान भी हो जाएगा 4। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 0.98 × 3 + 0.02 × 3 + 3 × 0.98 × 0.02 - 1, तो ये है a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 0.98 × 0.98 = 3 + 0.02 × 3 + 3 × 0.98 × 0.02, और फिर कोष्टक में 0.98 + 0.02 - 1, तो हो जाएगा इसका 0.98 + 0.02 और ऊपर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 1, इसका हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 1³ - 1 = 1 - 1 = 0,